नंबर प्लेट वाले चलाए, अब आपके नाम लोन नहीं हो रहा तो आप अपने भाई, तुम्हारा भाई दिल्ली में रह रहा है, उसके नाम से गाड़ी लेकर आप खा कमा रहे हो तो कोई गलत कर रहे हो, अपराध कर रहे हो क्या? एलजी खाली रिक्शे वाले जहर है सबकी नजरों में, ठीक है, इन पे लाइसेंस नहीं है, कागज नहीं है, चल नहीं रहे, 2.5 लाख रुपए की आ रही है। चल तीन की है क्या, रॉन्ग साइड चलते हैं यहाँ से, बैटरी के रिक्शे, रॉन्ग साइड चलते, ये बैटरी के रिक्शे वाले रॉन्ग साइड चलते हैं, हाँ रॉन्ग साइड चलते हैं, इनकी वजह से मतलब ऑटो वाला हो चाहे मतलब एक्सीडेंट होने का पूरा पूरा खतरा है यहाँ से। आप क्या करते हैं? हेलो आदाब नमस्कार दोस्तों, मैं अभी मौजूद हूँ बटला हाउस में, लाखों जतन के बावजूद एलजी के ऑर्डर के बावजूद दिल्ली में जाम कम होने का नाम नहीं ले रहा है। यहाँ बटला हाउस में देखेंगे तो चारों ओर आपको गाड़ियाँ ही गाड़ियाँ नज़र आएंगी, रिक्शे नज़र आएंगे, ऑटो नज़र आएंगे और इनक्रेशमेंट काफ़ी नज़र आएगा, जिसकी वजह से यहाँ जाम लगता है। वजह क्या है, इतनी सख्ती है, पुलिस गश्त भी करती है लेकिन उसके बावजूद कोई फ़र्क नज़र नहीं आ रहा है। आप देखेंगे कि बहुत सारे रिक्शे जो हैं उनको क्रश कर दिया गया और काफ़ी रिक्शे हटा लिए गए यहाँ से, और उन्हीं को परमिशन दी गई है जिस रिक्शे पे नंबर प्लेट है, बाकी नंबर प्लेट्स जिसमें नहीं है उनको हटा दिया गया। उसके बावजूद भी काफ़ी ऐसे रिक्शे आपको नज़र आ जाएंगे यहाँ पर जो चलते हुए दिख जाएंगे गलियों में चाहे सड़कों पर। चलिए हम आपको दिखाते हैं कि क्या नज़ारा है बटला हाउस का और किस तरह से यहाँ पर रिक्शे चल रहे हैं, और क्या सिर्फ रिक्शे ही वजह है यहाँ पर जाम होने का, या ऑटो भी है या और गाड़ियाँ भी हैं जो साइड में लगे होते हैं, उन सब पे हम बात करेंगे और लोगों का नज़रिया जानने की कोशिश करेंगे। आप हमारे साथ बने रहिएगा और देखते रहिएगा। पढ़िए, इनसे ये पूछे, मीडिया वाले हो या आम आदमी हो, कोई भी हो, ये रॉन्ग साइड जो आ रहे हैं इनका क्या इलाज है? खाली रिक्शे वाले जहर है सबकी नज़रों में, ठीक है, इन पे लाइसेंस नहीं है, कागज नहीं है, चल नहीं रहे, 2.5 लाख रुपए की आ रही है। मैं सभी की बात कर रहा हूँ, रिक्शे से लेकर वाहन दो पहियों तक की, ऑटो रिक्शे तक की, सभी आदमी जो जो रॉन्ग साइड है वो गलत है, बाकी कोई अपना रोजी रोजगार कर रहा दिल्ली में आकर पेट भर रहा तो कोई अपराध तो कर नहीं रहा वो। एलजी ने मना तो नहीं किया है रिक्शे चला, लेकिन नंबर प्लेट वाले रिक्शे, नंबर प्लेट वाले चलाए, अब आपके नाम लोन नहीं हो रहा तो आप अपने भाई, तुम्हारा भाई दिल्ली में रह रहा, उसके नाम से गाड़ी लेकर आप खा कमा रहे हो तो कोई गलत कर रहे हो, अपराध कर रहे हो क्या? एलजी ये भी तो बोले, इस चीज़ को भी तो सोचे कि दिल्ली में आती कोई लोन थोड़ी हो जाएगा, दिल्ली में आती आईडी बन जाएगी क्या? तो आपको क्या लगता है रिक्शे की वजह से जाम होता ही नहीं? खाली रिक्शे की वजह से जाम नहीं है, हर आदमी की वजह से जाम है, हर आदमी की वजह से, चाहे वो ऑटो रिक्शा हो, दो पहियों का वाहन हो, चाहे थ्री व्हीलर हो या कार हो, कोई भी हो, लेके AK Z जो बस चल रही है दिल्ली में उनसे भी जाम है। रोड इतने इतने से, बस इतनी चौड़ी चौड़ी, रोड की हालत देखना क्या आलम है, रिक्शे वाले चल रहे, बस वाले क्यों नहीं चल रहे, 1 घंटा लगता। पार्किंग की बात करें जो लगा देते हैं लोग, पार्किंग यहाँ से 9 नंबर तक कोई सबकी गाड़ी खड़ी है, रिक्शे वाले को तो गाली और देते लोग, अगर ने रोक के सवारी उतार रहा है, यहाँ से वहाँ तक कारें खड़ी हैं, उनका कुछ नहीं है। आप क्या करते हैं? ये देखिए यहाँ चारों तरफ आप देखेंगे गाड़ियाँ ही खड़ी रहती हैं, जिसकी वजह से काफ़ी जाम होता है, ये भी एक वजह है यहाँ पर जाम होने की। ये रोड के इस तरफ भी और उस तरफ भी, दोनों तरफ आप देखेंगे कारें खड़ी हुई हैं, और कहाँ क्यों जाम नहीं होगा, शाम के वक्त यहाँ पर बहुत ज़्यादा जाम हो जाता है, इस वजह से आने वाले की दिक्कत होती है। ये देखिए पूरा यहाँ से शाहीन बाग का देखिए नज़ारा, पूरा का पूरा यहाँ से वहाँ तक गाड़ियाँ खड़ी हैं, जाम क्यों नहीं लगेगा? ट्रक वाले भी खड़ी कर देते हैं यहाँ पर, गाड़ियाँ खड़ी कर देते हैं, और ये देखिए छोटा हाथी टेम्पू ये सब यहाँ पर, और उस तरफ भी मैं दिखा दूँ आपको, उस तरफ भी और इस तरफ भी दोनों साइड। रिक्शा चलाता हूँ, मेरा नाम सलीम है। सलीम, हाँ, तो एलजी से क्या कहेंगे आप? तो जो मैंने कहा है एलजी साहब इस चीज़ पे ध्यान दें, रिक्वेस्ट है मेरी उनसे ये कि कहीं
ज्यादा रिक्शा होने की वजह से जाम लगता है, जितनी सवारी नहीं है। जब ये बगैर नंबर वालों की बात कर रहे हो आप, ये खत्म हो जाएंगे नंबर वाले। अब यहाँ कितने नंबर वाले खड़े हैं? सारे नंबर वाले ही है ना, एक आध रिक्शा बगैर नंबर का होगा? मैं तो नहीं कह रहा, सब नंबर वाले खड़े। जब ये हो जाएंगे, ऑटो फिटनेस चेक कर रहे हो आप, लाइसेंस चेक कर रहे हो, सब कुछ ठीक है तुम्हारी बात, मगर इस चीज़ पे क्यों नहीं ध्यान दे रहे? सड़कें यहाँ की सही नहीं, गंदगी सबसे ज्यादा इस एरिया में। और कालिंदी कुंज से आते समय आप देखेंगे कि इस तरफ आपको काफी एनकरेजमेंट देखने को मिलेगा, काफी दुकानें आगे तक बढ़ा दी गई हैं। गाड़ियां तो खड़ी होती हैं वो अलग बात है, लेकिन दुकानें भी काफी बाहर तक निकाली जाती हैं, जिसका कोई देख रेख करने वाला नहीं है। आगे इसी तरह का आपको काफ़ी नज़ारे देखने को मिलेंगे, पूरा का पूरा आप शाहीन बाग चले जाइए, आपको इस तरह की दुकानें देखने को मिल जाएंगी। देखिए गाड़ियाँ कितनी खड़ी है, ट्रक टेम्पू सब जरूर घेर के खड़े हैं, रास्ते के लिए जितना सब अच्छा है। रोड और गलियों की बात करें तो उसका कहना ही क्या, ऐसा लगता है कि गवर्नमेंट इसको बनाकर भूल गई हो, कोई देख रेख नहीं। आप चलते जाइए, आपको गड्ढे नज़र आएंगे और गड्ढे ही गड्ढे नज़र आएंगे। बाकी जब बारिश होती है तो इनमें पानी भर जाता है, जिनकी वजह से ये पता नहीं चल पाता कि कहां पर गड्ढे हैं, और जिनकी वजह से काफ़ी एक्सीडेंट भी हो जाते हैं, आए दिन एक्सीडेंट होते हैं यहाँ पर। रिक्शे पर अगर कोई बैठा है, चार सवारी बैठी है, तो गिर भी जाते हैं। ऐसा नहीं है कि खाली रिक्शे वालों की गलती है, गलती यहाँ पर गवर्नमेंट की भी है। सड़कों की देखभाल यहाँ पर बिल्कुल नहीं की जाती, और इस जगह ख़ास तौर से इतने साल हो गए यहाँ पर हाईवे बन रहा है, उसके बावजूद इनका जस से तस हालत इसी तरह की है। ये ओखला हेड है, ओखला हेड पे आप थोड़ा सा आगे जाएंगे तो यहाँ पर कूड़ा करता है, जहाँ पर आपको नाक बंद करके जाना पड़ेगा, कूड़ा ही कूड़ा नज़र आएगा, बहुत ज़्यादा गंदगी है। कई बार हम वीडियो भी बना चुके हैं इनके बारे में, लेकिन कोई फ़र्क नहीं पड़ता, किसी के कानों पर कोई जो नहीं रेंगने वाली है। और ये बटला हाउस तक हम आपको घुमा करके लाए हैं, अंदाज़ा हो गया होगा आपको कि किस तरह के हालात हैं, कितना इंक्रेचमेंट है और कितनी पार्किंग है आसपास, और किस तरह से लोग गाड़ियां खड़ी करके चले जाते हैं, जिनको कोई रोक टोक करने वाला भी नहीं है। तो इस तरह से यह पूरा का पूरा जाम होने का सिलसिला जारी रहता है। ये इस टाइम थोड़ा कम है दोपहर के वक्त में, लेकिन अगर रात का वक्त देखेंगे आप, शाम के 6 बजे से लेकर के 9-10 बजे तक काफ़ी जाम होता है यहाँ पर, लोग काफ़ी परेशान रहते हैं। तीन की है क्या, रॉन्ग साइड चलते हैं यहाँ से, बैटरी के रिक्शे। रॉन्ग साइड चलते हैं ये बैटरी के रिक्शे वाले, बैटरी रिक्शा रॉन्ग साइड चलते हैं। हाँ, रॉन्ग साइड चलते हैं, इनकी वजह से मतलब ऑटो वाला हो चाहे मतलब एक्सीडेंट होने का पूरा पूरा खतरा है यहाँ से। आप क्या करते हो? मैं सर ऑटो चलाता हूँ। ये रॉन्ग साइड की वजह से जाम? हाँ जी, रॉन्ग साइड की वजह से एक्सीडेंट भी हो जाता है इनके चक्कर में, इन्हें बचाने के चक्कर में। पूछो इनसे, पूछो रॉन्ग साइड। वो बोलने से इतना आगा, वो लोग का क्या है, वो लोग तो जिधर पाएगा वो लोग भी घुमा लेता है ना गाड़ी, सभी के वजह से जाम लगता है, ऑटो वाला भी यहीं पर जी। जैसे रिक्शे वाले आते ऑटो वाला यहाँ कभी रॉन्ग साइड नहीं चलता सर। अभी 3-4 पहले 274 थी रॉन्ग साइड वाले ने पूरी गाड़ी खराब करके गया यहाँ से। हर जगह नहीं होता भाई, पहले तो बात के कोई कागज नहीं, लाइसेंस नहीं, बगैर नंबर से चल रहे यहाँ, ध्यान में। इनके ऊपर ही आरोप क्यों? हाँ जी, इनका बाइक वाले भी तो चलते हैं। यस सर, बाइक वालों को इतनी सी जगह चाहिए नहीं, इतनी जगह चाहिए। रॉन्ग साइड में देखो हर बंदा आता है, रॉन्ग साइड में सब जाते हैं, वो ना सुबह के टाइम चल जाता है इनका। अच्छा, बाकी यहाँ सुबह हो शाम हो दोपहर हो, स्कूल टाइम हो जाता है, स्कूल टाइम में जाम हो जाता है, बाकी ने फिर भी शर्म नहीं आती रिक्शे वालों को। अच्छा, तो कहीं आप खुश हैं इससे? 90% पे गए नंबर के रिक्शे चलते हैं यहाँ पे, 90% जिसके पास लाइसेंस नहीं है, कागज नहीं है, नंबर नहीं है। अवैध तरीके से चलते जी, बिल्कुल अवैध तरीके से चलते हैं यहाँ पे। ये देखो
देखिए साहब, देखिए आपके सामने की बात है, देखो रॉन्ग साइड चलना नहीं चल रहा, देखो ये जी ये तो इस पे कार्रवाई कैसे नहीं होती है? तो कार्रवाई क्या करे, पुलिस वाले करते ही नहीं, कोई कुछ नहीं करता है, मानते ही नहीं। कार्रवाई होना चाहिए, रिक्शा वाले का तो कोई गलती है ही नहीं। एक मिनट ठीक है, आपका बात से सहमत है, आपके मैं ये बात से मैं सहमत है, तो इसका कार्रवाई होना चाहिए ना। ये तो नहीं है कि रिक्शा वाले के सारा ऊपर में सारा बात डाल दिया आपने। एक आदमी तालाब में मछली गंदी हो जाए वो सबको गंदी कर देती है। हम किराए की गाड़ी चलाते हैं समझे, मालिक को किराया चाहिए, अगर हम रॉन्ग साइड चलेंगे तो गलती हमारी होगी ना। एक मिनट, हम बात आपसे मैं बात बोल रहा हूँ, गलती से एक्सीडेंट होगा तो गलती हमारी होगी ना इसके अंदर। अगर हम गलती नहीं करें तो हमारी गलती कैसे निकल जाएगी सर? यहाँ पे अगर यदि खड़ा नहीं रहेगा तो फिर जाम नहीं लगेगा। खड़ा नहीं रहेगा तो ये एक बात का बात बता रही है ना। एक बात बताइए, जैसे कह रहे हैं कि ऑटो भी अगर खड़े हुए हैं, जैसे इन्होंने पहले इन्होंने कहा कि रोड पे गाड़ी खड़ी होती है जिसकी वजह से रोड गिर जाता है, चाहे आप यहाँ से ओकवेट से साइन बाग की तरफ जाओगे एक एक गाड़ी खड़ी हो जाती है बस की जगह खड़ी। तो मैं एक सेकंड इनका कहना यह है कि जैसे आप रिक्शे वालों का इल्जाम लगा रहे हैं, ये भी कर रहे हैं कि ऑटो खड़े होने की वजह से यहाँ पे जाम होता है, चाहे ग्रामीण सेवा हो, चाहे फटफट सेवा हो, चाहे ग्रामीण सेवा हो, चाहे अवैध पार्किंग के सामने गाड़ी खड़ी है, आपके सामने खड़ी है गाड़ी, और कोई सी बस आएगी यहाँ पे जाम नहीं लग सकता, यहाँ पे जाम लगेगा, रॉन्ग साइड पे लगेगा, कोई जाम नहीं होता यहाँ पे। कितनी ऑटो लगे, कितने ऑटो लगे लाइन से, वो देखो आगे। आप ये बताओ ऑटो वाला खड़ा है सब, एक मिनट देखिए, ऑटो वाला खड़ा है ठीक है, आगे से सवारी मिल जाएगी, शाम को आएगा तो वापस। अच्छा हाँ, तो ये तो बैटरी के रिक्शा वाले तो यहीं रहते ही है, बैटरी वाले तो कहीं जाते ही नहीं है, तो बैटरी वालों की वजह से जाम है, दो दिन से यहाँ पे जाम नहीं लग रहा। देखो आप चले जाओगे 10 बंदे और खड़े हो जाएंगे, फिर जाम नहीं होगा क्या? है? नहीं होने देते, जितनी गाड़ी होते ही नहीं खड़े होंगे, जितनी जो है यहाँ के स्टैंड की बस, कुछ बाहर की गाड़ी होती है भगा देते हैं आगे उन्हें, अगर बाहर की गाड़ी आती है वो है ना गलती से खड़ा, उसे कहते हैं भाई साइड लगा ले। जैसे भी लगता है ओखला क्षेत्र में कम से कम 100 स्कूल है, इकट्ठे 12 बजे से छुट्टी होने तक 2 बजे तक स्कूल छुट्टी हो जाता, और भी कहीं से बस आके लग जाती है स्कूल की, उस वजह से भी छुट्टी लगता, खाली ये ना कि रिक्शा वाले खाली जाम लगाते हैं, 100 रिक्शा वाला भी होता तो बस का भी 10 बस भी आके खड़ा हो जाता, खाली ये ना कि रिक्शा वाले को जी। आज तो ऐसे भी रोड फाँका, कहीं भी दिल्ली मतलब आज वैसे संडे, ऐसे भी संडे आज दिल्ली कहीं भी घूम लिया आज के डेट में कम जाम लगता है। यहाँ पे कल सर ट्रैफिक वाले आए थे कल सुबह, यहाँ कल ट्रैफिक वाले ने रिक्शा बहुत बंद करी, बाकी कल से अब तक यहाँ जाम नहीं है कोई। ये जितनी भी गाड़ी है ना सर, अगर ये चाहे ये सीधे आके आगे से यू टर्न लेके अगर किसी को वहाँ मुड़ना है, सामने मुड़ना है, तो वो उधर से ही रॉन्ग साइड लेकर आएगा, ना कि वो आते आगे यू टर्न लेगा, कोई चाहे बाइक वाला हो, चाहे बैटरी रिक्शा वाला हो, चाहे कोई भी, समझे, ऑटो वाला कोई भी रॉन्ग साइड नहीं चल सकता, बाइक वाला ज्यादा रॉन्ग साइड चलता है, बाइक वाले चलते, हम तो कहते हैं इस बात को, बाइक वाले और बैटरी वाले दो ही आदमी चलते हैं, यहाँ कोई रॉन्ग साइड नहीं चलता, और अलावा बताओ क्यों नहीं रोका जाता इनको, बाइक वालों को चाहे इनको क्यों नहीं रोका जाता? कोई रोकने के लिए तैयार नहीं है इस बात को, अगर बाइक वाले पे जाओ, ओला वाले पे जाओ, वो रिक्शा वाला को मजदूर समझ के, गरीब समझ के वो रेपटा उठा देता, गाली देने के लिए तैयार है, मारने के लिए तैयार है, रिक्शा वाला मजदूर है बिहार से, बंगाल से, यूपी से, वो अपना चलो भाई कोई बात नहीं, मैं मजदूरी के लिए इस बात से हम दिए है, रिक्शा वाले का कोई सुनने के लिए तैयार नहीं है। अगर किसी को कहने लगो रॉन्ग साइड आ रहा भाई, तो लड़ाई भी हो जाए भैया। आप क्या करते हैं? बैटरी से चलाना है। बैटरी से चलाना है। आपके पास लाइसेंस है? हाँ लाइसेंस है। तो आप क्या कहना चाहेंगे जो अवैध तरीके से? अवैध भैया, रॉन्ग साइड का जाम है, बसों का जाम है, स्कूल की गाड़ी होगा, अच्छा रिक्शे की तरफ से जाम, रिक्शा भी ज्यादा, रिक्शे का जाम है, रिक्शा ज्यादा है, ये बात भी है, अभी अगर गाड़ी सारी रोड पर खड़ी है। एक बार बताइए, ग्रामीण से अभी ये नहीं खुश है तो क्या है? अब तो रोड खुला मिल रहा था आज के दो दिन से। आपके पास तो लाइसेंस है, जो अवैध तरीके से चला रहे उनके भी नहीं, बच्चे भी चला रहे हैं, बच्चे भी चला रहे हैं 10-12 साल के। अच्छा हाँ, 10-15 साल के बच्चे चला रहे हैं रिक्शा, और नशे में, नशे की हालत में रोजाना या पंगा होता है, समझे, जिनकी 4-5 गाड़ी है, कोई अगर कह देगा कोई थोड़ी सी कोई बात कर देगा ना, फटाक से ब्लेड मारेगा, सीधे ब्लेड पे मार देते चेहरे पे, सबको मिला, सबको मिला भैया, क्या करा बताओ, हम भी उसमें, तुम उसमें, सब पब्लिक उसमें पिस रही है। एक बार बताइए, आपने लाइसेंस कैसे लिया था? लाइसेंस कैसे लिया? जो जहाँ से गाड़ी ली वहीं से लाइसेंस बनवाया, अथॉरिटी जाकर अब जो ट्राई दी बाकायदे, आप वो कैसे लाइसेंस दे सकते हैं, कुछ आइडिया है? पुराने वाले
जिनके पास लाइसेंस सबका बन जाएगा, बनवाने वाला आई डी प्रूफ हो जाएगा। हाँ दिल्ली का चाहिए आई डी प्रूफ, सारा बन जाएगा यहाँ का। ट्राई देनी पड़ेगी जाकर वहाँ गाले खां, गाले खां जाकर ट्राई दो गाड़ी की, फार्म भरो बाकायदे, सब फीस जमा होगी, लाइसेंस बनेगा क्यों नहीं बनेगा। क्या फीस होती है सर? उस टाइम तो ऐसी थी 1200-1500 रुपए के आसपास। कितने दिन में आता है सर लाइसेंस? मेरा लाइसेंस तो आ जाएगा 2-2.5 महीने में। 2-2.5 महीने नंबर प्लेट वगैरह सब आ जाते हैं? हाँ सब कुछ आ जाते। इसके बाद आप कोई टेंशन नहीं ना? फिर क्या टेंशन है, फिर अपना चलाओ, लेकिन तरीके से चलाओ। अच्छा हाँ, अभी तो रॉन्ग साइड घुस रहे हैं, फिर कहीं कोई घुस रहा इन, देखो रॉन्ग साइड आ रही नहीं आ रही, रिक्शा एक है, मोटरसाइकिल कितनी है? रिक्शा एक, मोटरसाइकिल कितनी? देखो मोटरसाइकिल वाला खड़े हो जाएंगे बस के।